बानो, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक? तैयार बस अभी लगा था। हो गया तो लगाओ ना फौरन, बताया करो, तुम लोगों से पूछनी पड़ती हर बात। हम आ ही रहे थे। बेहतर सिकंदर की तबीयत कैसी है? अच्छा, है, वो तो ऑफिस जाने की जिद कर रहे थे लेकिन हमने इनकार कर दिया। किया। जरा भी एहसास नहीं है इस लड़के को अपनी तबीयत का। तुम नाश्ता लगवाओ, मैं सिकंदर को देख लूं। अब दिलावेज, हवेली में तो किसी को नहीं बताया ना? जी नहीं, जरूरत भी नहीं है बताने की। क्या फायदा अपनी परेशानी बताकर किसी को परेशान किया जाए? शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। बानो, मेरी चाय कमरे में ले आओ। सरकार, मैंने हमेशा हलाल कमाने की कोशिश की है। मैंने कभी खयानत नहीं की है। मैं अपने काम से मुखलिस रहा हूं सरकार। करमदीन, हमें आज तक तुम्हारे खुलूस और ईमानदारी पर शक नहीं हुआ, फिर आज तुम्हें ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरी ईमानदारी मजीद बरकरार नहीं रह पाएगी। करमदीन, तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो। मैं अब ये नहीं कर पाऊंगा सरकार, मैं अब इसका बोझ नहीं उठा पाऊंगा। काशान साहब जो मुझे करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना, वो करके मैं अपनी आखिरत खराब करना नहीं चाहता। इशारतन तो मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की कि वो हिसाब किताब में घपले कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। उसने उसने आपकी जमीन तक भेज दी है। क्या हमारी जमीन बेच? हां सरकार, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी उसने, लेकिन जान ईमान से कीमती नहीं है सरकार। मैंने आपका नमक खाया है सरकार, और मैं आपके नमक का हक अदा करूंगा सरकार। मैं आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता।